तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक सिंह, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह सिखाने वाला हूँ कि दो नंबर और एक नंबर हल्दी माप पता कैसे कर सकते हैं कि कौन सा मिलावट वाला हल्दी है, कौन सा ओरिजिनल 100% ऑर्गेनिक हल्दी है। आपके समक्ष दोस्तों अभी मैंने दो नंबर हल्दी को डाला, जो कि मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों में बिकती है, और अभी मैं इस डब्बा में एक नंबर हल्दी को डालने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं भैया कि आप भी घर में पता कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ना मार्केट में भैया बहुत सस्ता दाम में ये सब हल्दी बिकता है, और हमारा जो ब्रांड वाला भैया हल्का सा टाइट बिकता है, तो कस्टमर को लेने में दोस्तों कष्ट होता है। नहीं भैया महंगा क्यों बेच रहे हो, तो आप सामने देखिए कि क्या फ़र्क है दोनों हल्दी में, एक नंबर और दो नंबर हल्दी में। आपके समक्ष अभी लाइव दोस्तों पता चल जाएगा। सारे चक्की वाले ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और ये आप चेक करके जरूर बताइएगा हमें कि आपके साथ भी ये हुआ है या नहीं। तो आप दोस्तों साफ साफ देख पा रहे होंगे, एक जो कि मेरा हल्दी है अपनी कंपनी का, जो कि एक छोटा सा डब्बा में है, और दोस्तों दो नंबर हल्दी जो कि लाल रंग का बड़ा सा डब्बा में आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप दोस्तों आराम से देख सकते हैं कि फर्क क्या होता है, क्योंकि इसमें मिलावट होती है खुदी चावल, और बाद में कलर डाल के इसे पीला किया जाता है। इस दोस्तों इसका कलर जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हो जाता है इसको, और इसमें जो भी मिलावट होता है ना खुद्दी या आटा, वो अंदर जाके बैठ जाता है दोस्तों इसके अंदर, और जो एक नंबर हल्दी भैया डालने के साथ ही पीला हो जाएगा, एकदम पीला चहचह पीला दिखने में लगेगा। आपके समक्ष आप दोस्तों लाइव देख पा रहे होंगे। तो भैया मार्केट में इसलिए दोस्तों ओरिजिनल चीज का महंगा हमेशा होता है, 20-30 रुपये टाइट हमेशा होता है ओरिजिनल। यहाँ पे मैं कितना भी हल्दी इसमें डाल दूंगा दो नंबर वाला, लेकिन फिर भी भैया इसके मुकाबले में कभी भी अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दो नंबर है और ये एक नंबर है। आज के डेट में दोस्तों कस्टमर का कहना भैया हमें सस्ता चाहिए, लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं है कि जो दो नंबर हल्दी है, दो नंबर तेल है, उसे खाने से हमारा शरीर को कितना नुकसान है। पहले के ज़माने में दोस्तों लोग 100 साल 110 साल जीते थे, मगर आजकल के ज़माने में लोग 50 साल 60 साल 70 साल में ही मर जा रहे हैं, क्योंकि भैया उन्हें ऑर्गेनिक सामान नहीं मिल रहा है। तेल भी दो नंबर मिल रहा है पॉम ऑयल वाला, हल्दी भी दोस्तों उनको दो नंबर मिल रहा है, बेसन सत्तू इत्यादि सभी। और दोस्तों कंपनी वाला का मैं नुकसान नहीं मानूंगा, कंपनी वाला का भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कस्टमर दोस्तों अखंड चुतिया होता है भैया, उसको क्या है कि सस्ता चाहिए। आप एक नंबर मान लीजिए देते हो, लेकिन अगला अगर 10 रुपया लूज बेचेगा तो अगले पास जाके लेंगे, आपके पास नहीं लेंगे, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे आप साफ अपना आँख से देख पा रहे होंगे कितना फर्क होता है दोस्तों एक नंबर और दो नंबर में। और जब दोस्तों ये हल्दी आपका पेट में आपका शरीर में जाएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान करेगा आप खुद सोच लो। दोस्तों इसी तरह से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और लाइव बताऊंगा भैया कि तेल में क्या अंतर होता है एक नंबर तेल और दो नंबर तेल में। आप दोस्तों हमेशा चाहिए कि एक नंबर ही सामान खाइए, क्योंकि अगर एक नंबर सामान आप खाते हो तो होगा यूं कि आप लंबे वक्त तक जीवित रह सकते हो, आपका शरीर में बीमारी नहीं होगी। और यहाँ पे दोस्तों आप जरा सा आँख उठा के देखिए, जो एक नंबर हल्दी है पूरा पीला है, दोस्तों जो दो नंबर हल्दी है यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कलर है, और कलर के कारण दोस्तों ये हल्दी लाल हो गया है। आप जरा आँख से देखिए भैया कि लाल हो गया है, दूसरा येल्लो है पीला है, तो दोस्तों इतना ज़्यादा गंदा होता है। और ये जब आइटम आप शरीर के अंदर खाओगे भैया तो आपका शरीर को डैमेज करेगा, आपका एज कम करेगा दोस्तों। लेकिन भैया आप भी अगर आटा चक्की का बिजनेस करते हैं तब समझ जाइए, ऐसा काम नहीं कि दोस्तों एक रुपया ही कमाइए, मगर मेहनत कर कमाइए। ये सब पैसा दोस्तों लंबे वक्त तक टिकता नहीं है दो नंबर वाला, लेकिन आजकल के ज़माने में जो जो दो नंबर किया है वही बड़ा आदमी बना, ये भी दोस्तों सत्य है, कड़वा सच है कि जो जो एक नंबर की राह पर चला है वो दोस्तों बर्बाद हो गया, जो जो दो नंबर की राह पर चला है वो सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन है। आप दोस्तों अपनी ओर भी देख लीजिएगा दोस्तों मिला के कि मेरा कथन सही है या गलत। मैं था विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल। धन्यवाद।